बुआ अरे लक्ष्मी आ गई अपने घर में, चोरी हुई है। रात को 2:30-3 बजे मिसेज को तकलीफ हो रही थी तो मेरे को लगा कि यार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अपन ने महेश को फोन लगाया, सवेरा लेके आ गया। अरे नहीं नहीं यार, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई यार, ऑपरेशन करना पड़ गया। अगले ने क्या करा मालूम? तेरी भाभी को बिठाया ने, उनने तो अगले ने सीधे से पेट्रोल पंप आया, गाड़ी लगा दी यार। अरे व्यवहार लायक थोड़ी ना मचा अगला। अरे मौसी सीहोर से आया यार, गोदी में तो ले मेरी छोरी को। अरे बहुत मानगुन की छोरी है यार मौसी। अरे अपने को तो 2 दिन पहले ही सपने में उल्लू दिख गया था, जब ही समझ गया था कि यार माता रानी आने वाली अपने घर में। अरे सब अपने भाग का ऊपर से लिखवा के लाते हैं काकी, के तेरी वो नीमच वाली बहन को खबर कर देती तो कर दे यार, वो आ जाएगी तो बुआ के साथ जाते के लड्डू बनवाने में हेल्प कर देगी यार। मौसी इसका मुंडा देख के बताओ तो मेरे ऊपर गई है कि मेरी लाड़ी के ऊपर गई है। ए तेरी शाजापुर वाली जीजी का फोन आया रे, देख ये वीडियो कॉल पे है देख। हाँ बेटा खाना, ये बहन आ गई देख, तेरे तरीके लग रही है बिल्कुल। हाँ तेरे अलावा पूरे जमाने भर ने मेरी छोरी का फोटो स्टेटस पे लगा रखा है। ए, मेरा छोरी भाई क्या तो जलन हो गई क्या तेरे को? अरे 7-750 रुपए तो भाई उन काम नहीं करते अस्पताल में, वो मतलब ले गई मेरे से। कैसे न्यू? अरे यार बुआ कभी अपन ने बच्चों को गोद में खिलाया नहीं ना यार, आइडिया नहीं अपने को। अरे तेरी भाभी के ऑपरेशन में पैसे लग गए यार, दूंगा पार्टी मेरी छोरी को घर पे आन दे। ये दीपक तू बात करता है ना ममता से, मेरी छोरी का फोटो बातचीत करता उसका, अबे आत्मा कलप जाएगी उसकी। नाम का क्या, तेरी भतीजी तू बता क्या नाम रखना है? पंडित जी ने तो यार का खा गा घा से तो लेके ज्ञानी तक सारे अक्षर दे दिए यार, अपने को डिसाइड करना है कि अपने को क्या। अरे बुआ बहुत तेज दिख रही है बिल्कुल मेरे शरीर की। टेम तो यार 2:10-15 हुए थे, वो पंडित जी कुंडली बना के देंगे तो पता चलेगा कि मूल में हुई की काय में हुई। अरे मौसी बहुत मानगन की छोरी है यार मेरी, अभी 6 महीने हो जाने दो फिर खजाने मंदिर चलेंगे लड्डू से तिलवाने के लिए इसका। अरे अरे मौसी अभी मेरे को देख के हंसी थी। अरे तुम्हारे घर की सबन? अरे जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे ना तो साइन करने के लिए बुलाया अपने को, अपन ने तो उसी टाइम बोल दिया कि भैया भले साइन करा लो या फाइन करा लो, मेरे बच्चे को या मेरी मिसेज को कुछ हो गया ना तो पूरे हॉस्पिटल को फोड़ फोड़ा दूंगा। अरे वो मैडम नहीं अनमोल ठाकुर, हाँ इतनी बड़ी जरा सी, अरे बहुत जोरदार मैडम है यार, बहुत जोरदार इलाज है, अरे कम बजट में अच्छा काम निपटा देती है। अपने को तो मैडम ने रिपोर्ट देख के जैसे ही बोला कि यार बिलट की कमी है, बिलट चलाना पड़ेगा, अपन ने तो कहीं नहीं करा चुकंदर और अनार का जूस चल्लू कर दिया, नौबती नहीं आई उसकी भी। हाँ यार भैया ऑपरेशन करना पड़ गया यार। अरे मैडम ने तो पहले ही बोल दिया था कि खूब पैदल चला कर लाड़ी तू तो, पर ये तो मट्ठे सरी की इनका सोफा वाला, इनकी टीवी वाली ना, इनका मोबाइल वाला, कौन समझाया यार। अब देख लो इसकी नागदा वाली मौसी ने तो इसका मुंडा देख के पहले ही भविष्य मानी कर दी थी कि तेरे यहाँ तो गुड़िया ही आएगी। अरे नहीं रे, पैसे खींचने के चक्कर में ऑपरेशन नहीं करा यार, मैडम अपने को भाई मानती है, घर सारी का संबंध है अपने यार, अपने साथ क्या करेगी क्या? अरे अपना दोस्त नहीं है दीपक नीमा, उसकी बहनी है अस्पताल के पीछे, तो करिए यार। अरे बहुत करती है यार छोरी, कभी चाय बना के ले आएगी, कभी फल फ्रूट ले आएगी, कभी इसकी भाभी के लिए दाल दलिया बना के ले आएगी, बहुत करती है यार छोरी। अरे धार वाले फूफा जी से अपन गुस्सा चल रहे थे, अपनी बारात में नहीं आए थे, तब से बातचीत बंद है, लेकिन अगले का ऐसे टाइम पे फोन आया यार, बोले बेटा पैसा कौड़ी की जरूरत हो तो तेरा फूफा खड़ा है यार, बहुत शानदार आदमी निकला है, इसकी पीठ सुन रही है यार। हाँ हाँ MBI में 3rd मंजिल पे जनरल वार्ड के अंदर है। हाँ अरे महेश है इसकी टवेरानी, उनने तो औकात दिखा दी यार, अपन ने तो कल्लू को बोल दिया है उसी मैजिक लेके आ जाएगा, उसी में छुट्टी करा के लेके चले चलेंगे अपन। हाँ रंजीत भैया महेश बोल रही हूँ, भाभी की छुट्टी हो गई क्या? क्यों देखो क्या लेना देना? सॉरी यार भैया यार, पार्किंग में खड़ा हूँ, भाभी को लेके आओ फटाफट। नहीं नहीं अपने करने पैसे नहीं है डीजल डलाने के भैया। अरे भैया फुल टैंक करा के लाई हूँ खुद के पैसे से, ऐसी कैसी बात कर रहे हो यार? है क्या बोला तूने, फिर से बोल दो। हाँ भैया खुद के पैसे से फुल टैंक करा के ला रहा हूँ, आप जल्दी से भाभी को लेके आओ तुम। व्हाट्सएप पे आया है और आपको रंजीत भैया की इसी तरह की वीडियो और देखनी है तो यूट्यूब पे रंजीत भैया टाइप कीजिए और रंजीत भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।